एक और तकाजा, अदलो इंसाफ की तनफीज करना आपको, चाहे आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, किसी मस्जिद के जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे के जिम्मेदार हैं, किसी इलाके के जिम्मेदार हैं, आप एक सियासी जो है लीडर हैं, नेता हैं, आपका इलाके में एक नाम है, एक रसूख है, आपको इन तमाम मकामात पर अदलो इंसाफ के तराजू को कायम करना है। और ये इतनी अहम चीज है ना, इसकी वजह से आसमानों जमीन का निजाम कायम है। لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, अल्लाह ने फरमाया कि हमने ये अदल व इंसाफ नामी कानून जो नाजिल किया, क्यों? ताकि दुनिया में अदल व इंसाफ का बोलबाला हो। इसीलिए बाज़ सलफ ने कहा है कि अल्लाह किसी मुशरिक की हुकूमत को बाकी रख सकता है, लेकिन किसी जालिम की हुकूमत को अल्लाह बाकी नहीं रखता। किसी मुशरिक की हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन अल्लाह किसी जालिम की हुकूमत को बाकी नहीं रखता, इसलिए कि वो अदल व इंसाफ के साथ खिलवाड़ करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया, फरमाया ये अदल व इंसाफ का कानून, ये अदल व इंसाफ, अगर आपके हाथ में हुकूमत है, कानून है, इमारत है, आप जिम्मेदार हैं, चाहे आप किसी स्कूल के या किसी भी जगह के जिम्मेदार, अल्लाह क्या फरमाते हैं, कूनू कवामीन बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए अदल व इंसाफ को कायम करो और किसी का मुंह देख करके, चेहरा देख करके फैसला मत करो। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।